और बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से हमारे सहयोगी ने बात की, सुनिए। बरेली में कल भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा पहुंच रही है, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी शिरकत करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लाइटिंग की गई है और किस तरह से ये विशेष होगी जन विश्वास यात्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जानना चाहेंगे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे शहर को जो है वो लाइटों से सजाया गया है, एकदम दिवाली जैसा उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है शहर में, किस तरह से ये यात्रा जो है विशेष रहेगी? तरह का सवाल नहीं है, वर्ष का अंत और न वर्ष की सुबह है। और ऐसा यशस्वी गृह मंत्री के द्वारा बरेली में उनका पहली बार आना और जन विश्वास यात्रा अर्थात जनता के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे का जो है वो कार्यक्रम तय कर रही है। गृह मंत्री जब यहाँ आ रहा है तो उनके लिए पूरी तरह से सजाना, संवारना और उनका स्वागत करना ये परम कर्तव्य होगा। ऐसा बरेली की समस्त जनता बड़े मनोयोग से लगकर अपनी बरेली के लिए जो है वो सजा रही है। एक बिजली नहीं तो फूल है, तो जो जिसको मिल रहा है वो उस तरह से बरेली के लिए जो है और अपने प्रतिष्ठानों को, अपनी दुकानों को उनके आने पर पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने को तैयार। नागरिकों ने अपने कैमरामैन से की दिखाए तस्वीरों में कि किस तरह से जो बिजली की झालर है वो लगाई गई है, एकदम दिवाली जैसा माहौल बरेली में दिखाई दे रहा है। जानने की कोशिश करते हैं और क्या अभूतपूर्व रहेगा इस जन विश्वास यात्रा में, क्या प्रमुख झांकियां होंगी, क्या विशेष देखने को मिलेगा यहां पर? सबसे ज्यादा जो है वो एक तो लाइव प्रसारण इसका किया जाएगा। सुदूर बैठा हुआ चाहे 1000 किलोमीटर पर भी है, लोगों को उसके लिंक भेज रहे हैं और वो देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये सब कार्य किया जा सकता है जो हो रहा है। दूसरे यहाँ पर कुछ कलाकारों ने अपना सहयोग करने के लिए मेरे को कहा है, वे यहाँ पर आएंगे, उनका पूरा ट्रुप है और जनता के बीच में वो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे, भारतीय जनता पार्टी का यशस्विता का वर्णन करेंगे। साथ ही साथ कुछ लाइव जो है वो हम झांकियाँ लगा रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित है, तो अयोध्या से संबंधित है, तो भगवान कृष्ण की है, आदि आदि इस प्रकार का जो है लोगों में उत्साह भरा हुआ है और वो इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि न केवल बरेली में कल अयोध्या, मथुरा और काशी विश्वनाथ की झांकी दिखाई देगी, बल्कि बरेली में गृह मंत्री अमित शाह लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति भी भरने का काम करेंगे। बरेली से कैमरामैन रंजीत शर्मा के साथ आशीष गुप्ता।